साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन के साथ साथ फन की एक बिल्कुल नई दुनिया में आपका स्वागत है। बढ़ती टेक्नोलॉजी का ये दौर बिजली की गति से दौड़ रहा है, ऐसे में भला ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पीछे रहने वाला है। इसी कड़ी में कुछ बड़ी कंपनीज ने इनोवेटिव आइडियाज डिजाइन किए हैं और आज की इस वीडियो में आप भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो लास्ट तक इंजॉय कीजिए। लेट्स बिगिन। ब्लैक फ्लाई, क्या आपने कभी सोचा है कि अकेला व्यक्ति एक डिवाइस की मदद से हवा में उड़ान भर सकेगा? जी हाँ, ये फ्लाई कार का कॉन्सेप्ट आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लैक फ्लाई बिल्कुल एक फ्लाइंग कार के जैसी है। इसे कनाडा की कंपनी ओपनर ने डेवलप किया है। 10 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद इसे बनाया गया है। इसकी वजन उठाने की कैपेसिटी 113 किलोग्राम की है और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है और इसके उड़ने की रेंज है 40 किलोमीटर। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पानी और जमीन दोनों पर चल सकती है। ये एक ऐसा साइंस फिक्शन ड्रीम है जिसे हम रियल में देख पाएंगे। क्यूबो, ये नई जनरेशन का मॉडर्न डिजाइन का व्हील चेयर है जिसमें एक सॉलिड रबर ट्रैक सिस्टम लगा है जो इसे सीढ़ियों पर चढ़ने में इसकी मदद करता है। इस प्रोडक्ट को स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। ये सेल्फ बैलेंस टेक्नोलॉजी के साथ बर्फ और जमीन पर चल सकती है। क्यूओ का वजन है 220 पाउंड। ये किसी भी जगह पर आसानी से घूम सकती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 6 मील प्रति घंटा। IEVX, बढ़ते ट्रैफिक, बढ़ती भीड़ और बढ़ते ईंधन के दाम, इन सब की वजह से ट्रैवल करना काफी मुश्किल भरा हो चुका है। IEVX एक इलेक्ट्रिक और स्ट्रेचेबल कार है जो इन सभी समस्याओं का हल है। इस कार को सोलर पैनल से डेवलप किया गया है। इसमें पावर साइड मिरर, वाइड एंगल रेयर व्यूज कैमरा, 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले और फुल LED लाइटिंग सिस्टम लगा है और इस कार का साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट है। 31 इंच चौड़ाई, 63 इंच लंबाई और 53 इंच ऊंचाई और इसे 3 व्यक्तियों के बैठने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी लंबाई 90 इंच तक बढ़ाई जा सकती है। ये किसी नॉर्मल कार की तुलना में 6 से 7 गुना छोटी है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक के बीच से निकल जाती है। ये कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है और इसमें 50 किलोमीटर का पावर बैकअप है। क्यूगो, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए इसको बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और फुल चार्ज होने के बाद ये 25 किलोमीटर का ट्रैवल कर सकता है और इसे फुल चार्ज होने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसका वजन है कुल 35 किलोग्राम और ये 120 किलोग्राम के वजन को कैरी कर सकता है। इसके फ्रंट में एक डैशबोर्ड भी लगा है जो इसका चार्जिंग लेवल दिखाता है। पेंगुइन सबमरीन, प्रकृति के रंग और सुंदरता देखना हर इंसान पसंद करता है। इसी में शामिल है समुद्र का व्यू। ये एक सेमी सबमरीन बोट है जिसमें एक अंडर वाटर केबिन है जहां से सी लाइफ का व्यू देखा जा सकता है। इसका वजन है 4.3 टन। इसमें 35 से 40 यात्री सफर कर सकते हैं और ये मालदीव जैसे टूरिस्ट साइट पर इस्तेमाल की जा रही है। अर्मो, ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होवरबोर्ड शेप का इक्विपमेंट है जिसे कंजस्टेड एरिया में ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। ये कार्बन फाइबर और 3D प्रिंटेड एल्यूमिनियम से बना है। इसे BMW और टेस्ला के 2 एक्स इंजीनियर्स ने बनाया है। इसमें 14 इंच के 2 व्हील लगाए गए हैं और इसका वजन सिर्फ 6.5 किलोग्राम है और इसकी टॉप स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे फुल चार्ज होने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है और एक बार में ये 20 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। इसका फोल्डिंग फीचर इसे कहीं भी ले जाने के लिए आसान बना देता है। कैंगुरू, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो व्हीलचेयर पर हैं। इस कार में कोई सीट नहीं है, ना ही पैडल और ना ही कोई गियर। इसके बीच में एक स्टीयरिंग है और इसे किसी बाइक की तरह चलाया जा सकता है। इस व्हीकल में व्यक्ति को बैक साइड से एंटर करना होता है। इसमें सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट है और ये 25 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। ये काफ़ी छोटी है और डिसेबल पर्सन के सफ़र को आसान बना देती है। दोस्तों, कौन सा व्हीकल सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।